के साथ बलात्कार की कोशिश करने की रिपोर्ट दर्ज न होने से परेशान पीड़िता के परिवार ने पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई है। जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर खड़े सभी लोग थाना क्षेत्र के नगला डम्बर गाँव के है। यहाँ इन्होंने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि पीड़ित जाटव दलित जाति के हैं और पीड़ित की 16 वर्षीय पुत्री के साथ जनपद इटावा थाना सेपी क्षेत्र के गांव नगला बिहारी के रहने वाले रमेश चंद यादव पुत्र ज्ञान सिंह यादव अपने साले सुरेश चंद यादव निवासी ग्राम हलवाई ने उस समय सरसों के खेत में खींच कर बलात्कार करने का प्रयास किया। जब 15 जनवरी के दिन सुबह अपनी साइकिल से स्कूल जा रही थी, जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ दोनों ने बुरी तरह मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी और घटना के बारे में किसी को न बताने की बात कही। लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से थाने पर तहरीर दिए जाने के बाद भी अभी तक थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पीड़ित परिवार ने यहां पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। अच्छा, क्या क्या हुआ जो आज इस पे कर रहे हैं, क्या समस्या? हम स्कूल जा रहे थे, वो उधर रोड से आ रहा था, दो मोड़ थी, हम स्कूल जा रहे थे, उधर से आया, उसने मेरी साइकिल पकड़ी और साइकिल पकड़ी मेरे और मेरे कंधे पे हाथ रख के मैंने कहा कि हाथ हटाओ, तो उसने ऐसा मैंने बोला था, उसने मेरे चांटे मारे, कलपटी मेरे पार उखाड़े। जब मैंने कहा अपनी मम्मी से, हम अपनी मम्मी से बोलेंगे कि तूने मुझे मारा है, तब उसने कहा कि अगर तूने घर पे किसी को बताया तो मैं तुझे मार दूंगा जान से। फिर उधर से कोई बाइक आई उधर ही दूर से, तो वहाँ मुझे छोड़ के भागा। फिर मैं वहाँ से अपने घर आई, तब मैंने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास की छात्र हैं? मम्मी को बताई पापा ने। हम जर इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लास इंटर में पढ़ते हैं। किस जगह? करैल, करैल मैन। अच्छा, थाने में गई थे आप? हाँ। क्या कार्रवाई हुई? उसने कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। मेरी बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी, वहाँ पे हरवाई मोड़ पे जाके आगे जाके वो आता है मेरी लड़की की, भाग के साइकिल पकड़ता है, मेरी लड़की के कंधों पे हाथ रखता है, बोलता है तू कहाँ जा रही है, पकड़ के और वो उसको मारने लगता है। जब मेरी बेटी कहती है तू मेरे को छोड़, तो छोड़ता नहीं है। फिर मेरी बेटी के कहीं बाल पकड़ता है, कहीं कड़ेरता है, कहीं कुछ करता है। एकदम कोई शोर शराबा होता है, किसी मोटरसाइकिल की कोई कैसी आवाज़ आती है, तो एकदम वो कहता है कि तू जा जा अपने घर, कहती है तू इस गांव की है, तू इस जात की है, तू जाट जा समाज की है, तू क्या कर लेगी, जा जा तेरे सामने जा, तू मेरा क्या जो भी करवाना चाहते वो करवा ले, और मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ना तेरे को पढ़ने दूंगा। मैं नोएडा में काम करते हैं, मेरी बीवी थी, तो मेरी बच्ची वहाँ से जैसे आवाज़ हुई तो मेरी बच्ची वहाँ से घर पहुँची, घर जाकर अपनी मम्मी को सारी बात बताई। और मेरी बाप ने मेरे बताया कि बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो गया है कि आप घर आ जाएं। कैसा हो गया? मारपीट घटना हुई? मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी को मार दिया होता वहाँ पे, मेरी बेटी जो है। क्या घटना हुई? उन्होंने बताया कि जो अपनी बेटी दीपशिका है उसको रास्ते में पकड़ लिया है और उसके साथ मारपीट की है, उसको खींच के ले जा रहा था, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है। जो वहाँ पर रोड पे आए तो शोर शराबा बाइक का हुआ, तो उससे अब वो छोड़ के एकदम भागा और बोलता है कि तूने अगर घर पे कहा जा करके तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं एकदम दंग रह गया और मैंने कैसे क्या कार्रवाई हुई? मैं थाने गए तो वहाँ पे बोला कि वहाँ पे जांच चल रही है, दो चार दिन लगेंगे वहाँ पे, तो मैं देख रहे हैं, तो मेरे को वहाँ पे घर जा करके मुझे धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे को मार देंगे, कहीं कोई आ रहा है मेरे घर पे, कहीं कोई आ रहा है, मेरे साथ है। हम जाटव समान से, वो यादव समान से है, सुरेश यादव का साला सुरेश रमेश यादव।